हेलो फ्रेंड्स, इसी टू कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अपनी पनीर की भुर्जी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, जो लगती भी बहुत टेस्टी है और बन भी बहुत जल्दी जाती है। पनीर की भुर्जी की खास बात यह है कि घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। पनीर की भुर्जी का आप ब्रेड सैंडविच भी बना सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए हम अपनी पनीर की भुर्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए हमने 150 ग्राम क्रमबंड पनीर लिया है। इसको हमने हाथ से ही ऐसे बारीक बारीक कर लिया है। दो हरी मिर्ची ली है, एक इंच अदरक का टुकड़ा, बहुत छोटा सा पीस शिमला मिर्च का, तीन मीडियम साइज टमाटर, तीन मीडियम साइज प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया। हमने इन सभी सब्जियों को बहुत बारीक बारीक काट लिया है। दो सर्विंग स्पून हम ऑयल लेंगे। मसालों में हमने 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 3 टीस्पून किचन किंग पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं, हमने अपना एक कढ़ाई या एक ऐसा पैन आप रख सकते हैं, इसके अंदर हमने अपना ऑयल डालकर गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले जीरा डाल लेंगे। और अपना प्याज डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। प्याज को हम बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट ही करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे प्याज अब हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अपनी हरी मिर्च और अदरक सब डाल देंगे। अदरक डाल देंगे, अपनी शिमला मिर्च और टमाटर हम सब डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे। अब हम इसके अंदर अपने सारे मसाले डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। हम इसमें सबसे पहले अपनी हल्दी डाल देंगे, नमक, किचन किंग पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अपनी लाल मिर्च पाउडर। हम इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी सबसे लास्ट में डालेंगे। गैस की फ्लेम को फुल कर लेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। एक से दो मिनट हो गए हैं, अब हम अपना ढक्कन उतार देंगे। अब हम इसके अंदर पनीर को डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। गैस की फ्लेम को हम फुल कर लेंगे और हम इसको अच्छे से चलाएंगे, जिससे हमारा ये पनीर इसके अंदर अच्छे से मिल जाए, सारे मसाले भी आपस में मिल जाएं। पनीर के अंदर जो हल्का सा दूध है वो इसके अंदर सूख जाए, जब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून गया है, इसमें से ऑयल भी निकलने लगा है। इसको हम बस 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, किचन किंग पाउडर का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसको आप जरूर डालिएगा। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए और भून लिया था। अब हम इसमें अपनी कसूरी मेथी और गरम मसाला भी डाल देंगे। कसूरी मेथी डाल दी है, गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। और इसको चला लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सब्जी कितनी जल्दी से बन जाती है, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और सैंडविच के अंदर भी ये बहुत टेस्टी लगती है। और घर का पनीर होता है तो इसमें एक अलग सी स्वीटनेस भी रहती है,
तो इसीलिए ये पनीर की भुर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। अब हमारी ये पनीर की भुर्जी बिल्कुल तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी ये पनीर की भुर्जी कितनी जल्दी से बनकर तैयार हो गई है। आप इसको जरूर एक बार ट्राई करें, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें और इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।